This will be a general lecture on selection of options. आप पहले induction lecture में कुछ बच्चे सुन चुके होंगे, लेकिन again you can review yourself by understanding the key things कि option interview preparation में कहाँ placed है. And how we have to look at options in our whole preparation. That's very important. Just to place you briefly, if at top of your examination you don't have option in field, you might be knowing that at one point of time there was option in field. पहले होता था प्रीमियम ऑप्शन, एक जीएस का पेपर था और एक ऑप्शन का पेपर. बट नाउडेज एज पर द लेटेस्ट पैटर्न we don't have optional in most of these state civil services examinations. UPSC also as well as state civil services examination, we don't have optional in. ठीक, तो अब optional सिर्फ mains में है. And if you see state civil services like Punjab, तो उसमें भी optional in में नहीं है. Right? जैसे mains में आपका GS paper 1, 2, 3, 4, ये चार GS paper हो गए. Then you have optional paper, 5 and 6 and essay paper. Now UPSC is still having one optional in mains. But in PPSC, Punjab Public Service Commission of PSC exam, this is also not. In number of state civil services, they have eliminated the optional. कुछ में है जैसे हरियाणा में है, राजस्थान में नहीं है. तो वहां पे क्या है, सिर्फ जीएस के चार पेपर है और ऐसे है सपोज, और यू हैव लैंग्वेज पेपर इंग्लिश. एंड अब पीपीएससी में क्या है, अपार्ट फ्रॉम इंस्टेड ऑफ दिस ऑप्शनल पेपर, इंग्लिश और पंजाबी है आपका कंपलसरी. इसके मार्क्स लगते हैं. जो दो पेपर ये ऑप्शनल के थे उसकी जगह पे आ गए लैंग्वेज पेपर. पेपर साथ ही बनेंगे. ठीक है ना, अभी जो हरियाणा का एग्जाम चल रहा है, पैटर्न चल रहा है अभी, वो मेंस में जीएस के दो पेपर ले रहा है, ऑप्शनल के दो पेपर ले रहा है अभी, फिर आपके 7 और 8 इंग्लिश और हिंदी ले रहा है, 8 पेपर ले रहा है. बट दिस थिंग इज गोइंग टू चेंज इन द नेक्स्ट वैकेंसीज. तो ओवरऑल इफ व्हाट आई वांट टू से कि ओवरऑल इफ आई प्लेस द ऑप्शंस इन ऑल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, बिकॉज़ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन डेफिनेटली यू विल बी आल्सो अपीयरिंग इन स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन. देयर इज नो हार्म इन अपीयरिंग बिकॉज़ मोस्टली पैटर्न सिमिलर से होते हैं सारे. लेकिन आप ज्वाइन करना चाहते हो नहीं करना चाहते, इट डजंट मैटर, बट प्रैक्टिस इज ऑलवेज गुड, है ना. तो इन जनरल आई वांट टू से कि ऑप्शंस वैल्यू हैज रिड्यूस्ड इन सिविल सर्विस. But now in the light of this, how we have to look at optional? कैसे हम अपनी पूरी तैयारी में optional को देखें? That we have to, that strategy we have to clearly lay down. क्योंकि बहुत बच्चे ये गलती करते हैं कि sometimes they overemphasize on general studies. होता क्या है, 1 year general studies की तैयारी करते रहते हैं, फिर pre दे देते हैं और pre देने के बाद optional तैयार करते हैं. तो है आप में से ऐसा बंदा, डोंट हेजिटेट टू एक्नॉलेज. 8-10 तो मेरे पास आ चुके हैं, प्री दे दिया और लगता है प्री हो जाएगा, ऑप्शनल तैयार. 8 से 10 बच्चे मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं और डांट खा चुके हैं भयंकर की मोटी मोटी, पर वो डांट खा लेते हैं कि सोल्यूशन भी यहीं से मिलना, कि करना क्या है कि डांट खाना ही बेटर है, तो रुल जाएंगे. अब 3-3.5 महीने बचे होंगे, ऑप्शन मेरा तैयार नहीं है और प्री मेरा हो जाएगा, कोई इससे बुरी बात हो सकती है? तो दिल ऐसा नीचे को बैठ जाता है कि सोच तो ये रहे थे, प्लान तो हम इसलिए कर रहे थे कि प्री ना हो. दैट इज वाई अगर आपने प्लान किया होता कि प्री मेरा हो जाएगा तो आप ऑप्शन तो पहले क्या करते ना. इनफैक्ट यू आर प्लानिंग फॉर, यू आर होपिंग दैट कि मेरा प्री तो होना ही नहीं है, अगली बार देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछा था कि यू आर प्लानिंग फॉर कि आपका प्री नहीं होगा ना, तो गलती से हो रहा है. अच्छा
तो आइडिया इज कि आप इसको मतलब अल्टीमेटली आपको अपनी तैयारी के अंदर अपने पूरे प्रोसेस के अंदर एक बैलेंस की फॉर्म में आपको तैयारी करनी होगी एंड यू हैव टू ऑलवेज प्लान फॉर सक्सेस नॉट फेलियर. अगर कोई बच्चा प्री दे रहा है 2020 में एंड ही इज नॉट प्रिपेयरिंग ऑप्शन तो यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर एक्चुअली, यू आर नॉट प्लानिंग फॉर सक्सेस. इट्स वेरी क्लियर क्योंकि आफ्टर प्री यू आर गोइंग टू गेट अराउंड टोटल ऑफ 4 months एंड प्रैक्टिकली 3 months, 3 महीने मिलने हैं प्रैक्टिकली आपको. ठीक है, 3 महीनों में आप यार जीएस भी तैयार कर लोगे चारों है ना, और आप ऑप्शनल भी तैयार कर लोगे, ये तो कैसे बात होगी ना. इट इज नॉट अ एग्जाम ऑफ एवरेज, दिस इज द एग्जाम ऑफ द बेस्ट. यू हैव टू पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड इस एग्जाम के अंदर. दैट स्ट्रेटजी वी हैव टू ले डाउन एंड अंडरस्टैंड द how we have to prepare or approach optional in the whole examination pattern. ठीक है, कुछ locate हुई बात आप मैं I come across so many students. तो आप गलती नहीं करोगे, अगर गलती करोगे तो consciously करनी है, अंदर से ही कॉन्फिडेंस ऐसे करनी है कि आई एम कमिटिंग अ ब्लंडर, डजंट मैटर. कई बार जैसे मैं लाफिंगली कहता हूँ अगर ये गलती करनी है तो इन कंसल्टेशन विद सम पंडित करनी है, उसको कुंडली दिखा के देन यू विल बी हैवीली रिक्वायरिंग अ बिग डिग्री ऑफ लक कि आप आधा ऑप्शनल करके गए पेपर उसमें से आ गया, यही एक ऑप्शन बचती है ना. दिस इज द ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद कि भाई आधा मैंने ऑप्शनल किया, सिलेक्टिव किया एंड वही पेपर में आ गया. But this seldom happens actually. And nowadays तो और भी मुश्किल है because छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं and they are asking questions verbatim from each chapter after what is the reason paper. तो आपको at least 100% भी subject एक बार तैयार करना पड़ता है, right? So ultimately, see, just write down few things regarding the optional. Now first thing is definitely there that before you appear in the pre, your optional should be reasonably prepared. Because before you appear in the pre, your optional should be reasonably prepared. What I mean by reasonable preparation? Reasonable preparation means covering of around 70% of the syllabus. 70% सिलेबस आपका कम से कम कंप्लीट होना चाहिए. आई एम गिविंग यू अ क्वांटिफाइड वर्जन, ये चाहे आप सेल्फ स्टडी से कर रहे हो चाहे कोचिंग ले रहे हो, डजंट मैटर. लेकिन 70% ऑप्शनल प्री से पहले आपका खत्म होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीशन ऑफ 70% सिलेबस? इसमें दो बातें आती हैं, आइदर अटेंडिंग क्लासेस प्लस रीडिंग ऑफ रेलेवेंट स्टडी मटीरियल. रीडिंग ऑफ रेलेवेंट स्टडी मटीरियल एंड हैविंग सम सेंट्रलाइज्ड नोट्स कि क्लास में अगर लेक्चर हुआ आपने लिखा, घर में जाके आपने रेलेवेंट स्टडी मटीरियल पढ़ के वो सेंट्रलाइज्ड नोट्स आपने बना लिए रीजनेबल. प्लस अपियरिंग इन क्लास टेस्ट अगर आप कोचिंग ले रहे हो. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो देन प्रैक्टिसिंग at least few questions of each chapter which you have prepared ताकि आपको problem statement पता लगे कि यार ये question आया हुआ है, ये मैंने try किया, मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा. Because once you try the questions, then you develop actual confidence कि हाँ मेरा ये हो रहा है या नहीं हो रहा. And particularly when you attempt UPSC past year papers, then you come to know कि हाँ I am getting some level. जो आपको confidence आता है ना वो उसी से ही आता है ultimately. बाकी जितना मर्जी हम पढ़ा लें, जितना मर्जी आप पढ़ लो, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, द अल्टीमेट ट्रुथ इज अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस इन द मेंस एग्जामिनेशन. अगर वो नहीं हम कर पाए तो हमें कभी भी कॉन्फिडेंस आएगा नहीं. एंड आई डोंट वांट दैट यू शुड बी शॉक्ड कि एक साल के बाद मेंस का पेपर खोल रहे हो, अरे ये क्या है. शॉक साथ साथ में होते रहना ताकि आप शॉक प्रूफ हो जाओ.
तो यू हैव टू बी शॉक प्रूफ। और आपको पता लग गया कोचिंग का मतलब क्या है, आपको ये भी पता लग गया कोचिंग की रेलेवेंस क्या है, कि कहाँ कोचिंग प्लेस्ड है, कहाँ आपके एफर्ट्स प्लेस्ड है, इजंट इट। तो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट 70% ऑफ योर ऑप्शन शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर प्री। रीजनेबल प्रिपरेशन का क्राइटेरिया मैंने आपको दे दिया, या तो जो क्लास टेस्ट क्लास में हो रहे हैं वो अपेयर करो, प्लस कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स में से क्वेश्चन अटेंड करके टीचर से चेक कराओ, या अपनी सेल्फ स्टडी के अंदर आप वो क्वेश्चन अटेंड करके देखो 70% बस। इन द पोस्ट प्री पीरियड, इन द पोस्ट प्री पीरियड यू विल कवर द नेक्स्ट 30%, अगर बचा हुआ तो, अगर पहले सारा कर सको बहुत अच्छा, रेस्ट 30% यू विल कवर बिफोर द प्री रिजल्ट जो ये पीरियड है, एंड अपियरिंग इन टेस्ट जो प्री रिजल्ट हमारे टेस्ट होते हैं, हमारे प्री रिजल्ट टेस्ट होते हैं, वो प्री रिजल्ट टेस्ट दे रहे हो, ताकि बाय द टाइम प्री रिजल्ट कम्स आपका ऑप्शनल एक बार तैयार है, राइट। देन इन द पोस्ट प्री रिजल्ट पीरियड, व्हाट विल हैपन इन द पोस्ट प्री रिजल्ट, पोस्ट प्री रिजल्ट इज फॉर वन थिंग रिविजन, नंबर टू टेस्टिंग, नंबर थ्री क्वालिटी इंप्रूवमेंट। दैट पीरियड इज नॉट फॉर टेस्टिंग, दैट पीरियड इज नॉट फॉर कवरेज, कि आप कुछ चैप्टर्स कवर करने बैठे हो, दैट पीरियड इज ओनली फॉर थ्री थिंग्स, फर्स्ट इज रिविजन, मल्टीपल रिविजन, टक 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 टक, टेस्टिंग कि अपने आपको टेस्ट सीरीज, उस वक्त पोस्ट प्री रिजल्ट टेस्ट सीरीज होती है तो वो अल्टीमेट होती है, वो बिल्कुल एग्जाम टाइप टेस्ट सीरीज होती है जो आप पेपर दे रहे हो यूपीएस, एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट, कहीं आपके किसी चैप्टर में क्वालिटी इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, कि हाँ यहाँ वीक है, वो उसकी गहन चिंतन होता है कि आपका बैलेंस है तैयारी में नहीं है, वो फाइन ट्यूनिंग उस वक्त आती है। तो दीज आर थ्री सिंपल स्टेप्स थ्रू विच यू विल प्रिपेयर ऑप्शनल। अगर आप 20 में दे रहे हो तो वो प्रोसेस अभी से स्टार्ट होता है, अगर आप 21 में दे रहे हो तो 20 से स्टार्ट हो सकता है या अभी से हो सकता है, अगर 22 में दे रहे हो तो नेक्स्ट ईयर होना चाहिए, अभी नहीं होना चाहिए, इतनी जल्दी भी नहीं होना चाहिए। दिस इज वन थिंग इज क्लियर, कि मोड ऑफ प्रिपरेशन क्लियर हो गया आपके, अब जो मर्जी ऑप्शन है आपका। सेकेंड थिंग फॉर द कैंडिडेट्स अपीयरिंग 2020, सारे मेरे 2020 वाले बैठे होंगे यहाँ पे मोस्टली, योर ऑप्शनल शुड बी कंप्लीट बाय दिसंबर, चाहे सेल्फ स्टडी चाहे कोचिंग। अगर आप 2020 में दे रहे हैं तो दिसंबर से आगे नहीं जाना, वाई 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 यू विल नॉट गो बियॉन्ड दिसंबर, बिकॉज योर प्री इज ऑन 29th मई, you will have your pre on 29th May. Now you know the date, UPSC date sheet aa gayi hai 29th May, pre jo hai next pre 29th May ko, to ye 29th May padha tha maine, 31st 29 September hoga, fir mains hoga, doesn't matter, matlab May end mein aur pre pon ho gaya, तो दिसंबर ऑनवर्ड यू विल कंसंट्रेट ओनली ऑन प्री टेस्ट्स प्लस कवरेज ऑफ जनरल स्टडीज। और उस वक्त देखो अगर आप ऑप्शन भी बीच में फंसा हुआ है तो आप ऑप्शन की तैयारी भी कर रहे हो, टेस्ट भी दे रहे हो और जीएस भी कर रहे हो, यू आर एक्चुअली प्लानिंग फॉर फेलियर, इट इज नॉट टेक्निकली पॉसिबल, क्योंकि जो टेस्ट हमारे यहाँ भी दोगे आप तो घर जाके रोना ही पड़ेगा आपको, बस नंबर नहीं आते, एक पहली बार में नंबर नहीं आते हैं, ये फैक्ट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते आपके नंबर आए, बट दैट इज अ शॉकर फॉर यू, कि यार मैंने इस साल 8 महीने की तैयारी करते पॉलिटी का टेस्ट दिया, नंबर आ रहे हैं 200 में से 40, वही ये क्या हो गया, उसका ये मतलब नहीं है कि आपकी तैयारी नहीं है, उसका मतलब है कि यू रिक्वायर स्टिल रिक्वायर मोर रिविजन, यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम प्रॉपरली। कवरेज है आपका, आप टेस्ट देखोगे, घर जाकर रजिस्टर देखोगे, नोट्स देखोगे अपने, आपको आंसर मिलेंगे लेकिन वहाँ पर नहीं हो पा रहे, फिर करने का तरीका धीरे धीरे आता है, तो उस पर आपको टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन, तो उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करने का मतलब
तरीका यही है कि यू शुड बी फ्री एट दैट टाइम. दिसंबर ऑनवर्ड आप बिल्कुल फ्री हो टेस्ट देने के लिए, जीएस कवर करना, जो करना है आपने दिसंबर से पहले ऑप्शन जितना मर्जी तैयार करना कर. ठीक है, नेक्स्ट. थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल इन टर्म्स ऑफ मार्क्स. ये थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, विच इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर डिसीजन अबाउट विच ऑप्शनल यू विल कीप. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देखो आज की डेट में ऑप्शनल जो है आपका वो है 500 नंबर, 500 मार्क्स. एंड योर जनरल स्टडीज इज हैविंग 1000 मार्क्स एंड योर एस आई इज हैविंग 250 मार्क्स. फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आई कैन कंबाइन दिस टू. तो जीएस आपकी 1250 की होगी और ऑप्शनल आपका 250. तो फर्स्ट फैक्टर इज लेस वेटेज ऑफ ऑप्शनल नाउ. Less weightage of optional as compared to general studies. But each and every mark is important. So I will not take any decision on this basis ki iske weightage kam hai. No, that will not be a sole criteria and that cannot be an important criteria for me. While I decide, mujhko to ek number important hai mere liye, hai na? But the second factor is very more important. Which actually draws from the question paper which they are asking. See, four to five years back, they changed the pattern of the exam altogether of the option. अब pattern इसको क्या है कि आपको दो sections paper में है, section A, section B, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8. आठ question पहले भी थे अब भी हैं. पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, पांचवा क्वेश्चन कंपलसरी है, जो पहले था अभी है. लेकिन चेंज उन्होंने क्या किया है, पहले ये एक सिंगल क्वेश्चन होते थे 60 नंबर. आपको इन दोनों में से कोई तीन क्वेश्चन करने हैं, सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच पार्ट. राइट, पहले क्वेश्चन आता था 60 नंबर का, 300 नंबर का जब ऑप्शन होता था. अब की बारी में देख लें तो 50 नंबर का. लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट आस्किंग सिंगल क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स. नाउ दे आर आस्किंग इन ईच सेक्शन देयर आर थ्री क्वेश्चन, 20, 20, 10. तो अब आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, दे आर मच मोर देन व्हाट यू सी. अब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं, 3 into 3, 3 क्वेश्चन करने हैं आपको, 3 दिया 9 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं. और यहां पे कितने क्वेश्चन हैं, यहां कितने हैं, 5, 50 नंबर का ना, 5 करने हैं, 5 पांच क्वेश्चन यहाँ करने, 5 यहाँ करने, तो 10 कितने हो गए क्वेश्चन, 19. अब ये 19 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, पहले आपको कितने करने पड़ते थे, 8 और 3, 11, 8 क्वेश्चन बढ़ गए. एंड इफ यू सी द नेचर ऑफ क्वेश्चन, वो उतना बड़ा ही है, वो उतना बड़ा ही है. तो व्हाट आर द सोशल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, लिखो जी 20 नंबर में. यही क्वेश्चन सपोज आएगा, आया 5 साल 6 साल पहले, लिखो जी 50 नंबर में. मतलब वही क्वेश्चन 50 नंबर में पूछ रहे हैं और वही क्वेश्चन 20 नंबर में पूछ रहे हैं, बट वही क्वेश्चन 10 नंबर में पूछ लेते हैं. इधर व्हाट इन्फ्रेंस डू वी ड्रॉ फ्रॉम इट, ये आपके लिए बहुत बड़ा लेसन है, गुरु मंत्र है. What inference do you draw from it? Does it have any implication on your strategy of preparing for this exam? और जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं तीनों, ये तीन डिफरेंट चैप्टर्स में से हैं. ये ऐसा नहीं है एक ही चैप्टर में से तीन क्वेश्चन, एक चौथे चैप्टर में से, एक दसवें चैप्टर में से, एक सातवें चैप्टर में से. एंड इफ यू सी द कॉन्फ़िगरेशन, क्वेश्चन इज आस्क्ड फ्रॉम एवरी चैप्टर, देयर इज नॉट इवन अ सिंगल चैप्टर जिसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा.
पहले क्या होता था, चैप्टर के चैप्टर छोड़ देते, एंड यू कैन इजली टारगेट कि भैया ठीक है मैंने ये 15 चैप्टर है पेपर वन में से, इसमें से ये 8 कर लिए, और ये पेपर टू में से 10 चैप्टर है इसमें से ये 4 कर लिए, नंबर तो नहीं। अब मेरे पास वो विड्थ नहीं है, आई डोंट हैव दैट विड्थ, लेकिन चेंज पैटर्न टीचेस मी समथिंग, व्हाट लेसन आर यू ड्रॉइंग फ्रॉम, है डन, ईच एंड एवरी चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, मतलब यू हैव टू कवर 100% सिलेबस, ये तो क्लियर है, ओके डन, तो दैट विल बी हैविंग अ बेयरिंग ऑन योर सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल, कि नाउ 100% कवरेज इज रिक्वायर्ड, नंबर टू लेस वेटेज देयर। लेकिन ये जो क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जा रहे हैं इससे क्या लेसन आप ड्रॉप कर रहे हो, दिमाग लगाओ, स्ट्रेस योर सेल्फ, मैं तो बता दूंगा एक मिनट में, लेकिन जो आपके अंदर से बात निकलेगी वो अलग ही है। राइटिंग स्किल, राइटिंग स्किल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वर्ड्स तो उतने लिखने हैं, अगर 50 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है तब भी वही 600 साढ़े 600 700 वर्ड लिखने हैं, अगर 3 क्वेश्चन है तब भी उसका जोड़ उतना ही होना चाहिए, तो आई एम नॉट मच कंसर्न्ड अबाउट स्पीड, स्पीड तो जो चाहिए वो चाहिए, नहीं सर ज्यादा डिटेल में नहीं, डीप नॉलेज ज्यादा चाहिए, कम चाहिए, डीप कम ज्यादा चाहिए, डीप कम ज्यादा यार, क्या कर, अब ये तो बिल्कुल आप एक्सट्रीम में चले गए, है भाई ठीक है ना, ये कम ज्यादा थोड़ी है, इंसान का मोटापा थोड़ी है कि कम है ज्यादा है, इजंट इट, हाउ डज इट, अब ये बताओ ना, ये डीप ज्यादा चाहिए कम चाहिए, कम है बोलो यार, ज्यादा को कम में लिखना है आप कंसेप्ट को, तो आपको नॉलेज ज्यादा चाहिए कम चाहिए, सर एलिमेंट चाहिए, नॉलेज कंसेप्ट सी भी चाहिए ताकि आप उसको उसी कम में भी लिख सको ज्यादा भी कर सको, नॉलेज हां मतलब कम चाहिए, कम नॉलेज आपको, मतलब यू शुड कंसंट्रेट मोर ऑन क्रक्स रादर देन डिटेल्स, नॉट बुलेट पॉइंट, मतलब ये लेवल ऑफ डेप्थ रिक्वायर्ड, अगर यही क्वेश्चन मैंने 20 नंबर में करना है और वही क्वेश्चन मैंने 50 में करना है तो मुझे ज्यादा किस में लिखना पड़ेगा, 50 वाले में, अगर मैं 50 वाले में ज्यादा लिख रहा हूँ तो क्या लिख रहा हूँ ज्यादा, मैं डिटेलिंग कर रहा हूँ, मैं मे बी आई एम एडिंग मोर सब्सटेंशिएशन टू माई आंसर, आई एम गिविंग डाटा, आई एम मेकिंग सम डायग्राम्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इंड्यूस क्वालिटी इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक, लेकिन अगर मुझे वही क्वेश्चन 20 नंबर में लिखना है तो मुझे 250 से 300 वर्ड लिखने पड़ेंगे, क्वेश्चन वही है तो आई हैव टू जस्ट मेक अ स्केच, लिखना सब कुछ पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते कुछ भी यूपीएससी में, लिखना सब कुछ पड़ेगा लेकिन उतना ही मोटा मोटा लिखना पड़ेगा, एंड दिस इज हैपनिंग इन ईच एंड एवरी ऑफ टू, राइट, तो अब जमाना क्या है कि आपकी हॉरिजॉन्टल स्प्रेड ज्यादा होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल स्प्रेड मोर और वर्टिकल स्प्रेड लेस, मतलब वी नाउ एम्फसाइज मोर ऑन मोर कवरेज ऑफ टॉपिक्स रादर देन गोइंग टू मच डीप इन टू अ पर्टिकुलर टॉपिक, ये नहीं है आप एक टॉपिक ले लिया, सपोज पब्लिक एड की थ्योरी ले ली कोई वेबर की, अंदर ही घुस गए उसके अंदर, लाइब्रेरी में पहुंच गए, 4 किताबें निकाल ली, सजा ली अपने आसपास, क्या कर रहे हो, वेबर कर रहे हैं, क्या कर रहे, अच्छे से कर रहे हैं, यूपीएससी में अच्छे से करने वाले की कभी सिलेक्शन नहीं होती, ये हिस्ट्री है, यूपीएससी में उसी की सिलेक्शन होती है जो यहां से काम करता है खोपड़े से, और वो भी अपना ना कि दूसरे का, इफ यू लीव योर प्लानिंग टू अदर्स दे विल प्लान फॉर फेलियर फॉर यू, यू अंडरस्टैंड, बिकॉज अदर्स डू नॉट नो यू, अदर्स डू नॉट नो योर प्रायोरिटीज, आपके पेरेंट्स हमेशा कहेंगे अच्छे से पढ़ना बेटा, आयुष की दिक्कत है, आप उनको ये समझाओगे आप जी सर इसमें अच्छे से नहीं पढ़ना होता, एवरेज पढ़ना होता, जितना कम पढ़ोगे उतने नंबर ज्यादा आएंगे,
वो कहते पागल हो गया ना पढ़ने के बारे ढूंढ रहा। जैसे हम कहते हैं आठ घंटे आप पढ़ लो अच्छे से बहुत है, घर में जाके बोलोगे ना 8 घंटे पढ़ लो सर ने कहा बहुत है, तो अभी से झूठ बोलने लग गए। यूपीएससी में तो 18 घंटे भी कम है, तो घर वालों को कभी नहीं बताना आपका सच। तो योर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड हैज टू बी मोर, मतलब यू हैव टू कवर मोर एंड मोर टॉपिक्स रादर देन गोइंग इनटू डिटेल इनटू ईच टॉपिक। ठीक है ना, तो किसी भी टॉपिक को मैं तीन पार्ट में डिवाइड करता हूँ। सेंट्रल आइडिया एक टॉपिक का होता है, कोई भी आप इशू पढ़ रहे हो तो सेंट्रल आइडिया होता है उसका एक, राइट। जैसे मैं कहता हूँ सोशल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, तो इसका सेंट्रल आइडिया मैं 40 वर्ड में लिख सकता हूँ सारा कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद होती है एक्सप्लेनेशंस, इसी की आगे एक्सप्लेनेशंस कि इसका मतलब क्या है। फिर होती है सब्सटेंशिएशंस, किसी भी टॉपिक में अल्टीमेटली सेंट्रल आइडिया बहुत छोटा सा होता है। आप हिंदू का पूरा आर्टिकल पढ़ो, उसमें हार्डली 3 लाइनें होंगी जो उस आर्टिकल का जिस्ट बता रही है कि ये एक आर्गुमेंट दे रहा है बंदा। बाकी चीजें क्या होती हैं, उसी 3 पॉइंट्स को समझाने का तरीका और एग्जाम्पलीफिकेशन। इज इट, तो अल्टीमेटली जितनी आपको डेप्थ में जाते जाते हो आप, ये चीजें डेप्थ में बढ़ती जाती और कुछ नहीं होता। तो आप कोई भी ऑप्शन तैयार करते हो, आप इवन जर्नलिस्ट तैयार करते हो, योर एम इज टू इंक्रीज योर हॉरिजॉन्टल स्प्रेड रादर देन वर्टिकल। एक टॉपिक को अच्छे 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 से नहीं करना, आपको बोला अच्छे से लिखना कहा है मैंने, आंसर क्वेश्चन आना 200 वर्ड में, मैंने इसमें क्या लिख देना है। जितना ज्यादा मुझे आता होगा उतने मेरे पेपर में नंबर कम होते जाएंगे, क्योंकि मुझसे लिखा नहीं जाएगा, मुझसे लिखा नहीं जाएगा, एंड आई विल नॉट बी एबल टू राइट द आंसर प्रॉपरली, इट विल बी इम्बैलेंस्ड। मैं सेंटी हो जाऊंगा कि एक पार्ट लिखने लग गया उसी पर, जबकि यहाँ चाहिए हमारे को सिनॉप्सिस। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स योर, ये 3 फैक्टर मैं आपको बताए हैं, 100% कवरेज इज रिक्वायर्ड नाउडेज, सेकंड इज लेस वेटेज इज देयर एज कम्पेयर टू जनरल स्टडीज, दैट मीन्स यू हैव टू इन्वेस्ट मोर टाइम इन जनरल स्टडीज। तो आपको ऐसा ऑप्शन इस तरह से सिलेक्ट करना है कि आपका बहुत टाइम ऑप्शन ना ले जाए। यू हैव टू सी योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ टाइम, कि भाई इतना टाइम मैंने जीएस में लगाना ही लगाना है, इतना टाइम बचता है मेरे पास, इतने कम टाइम में क्या ऑप्शन मैंने तैयार करना है। सेंटी नहीं होना, सेंटी अगर होना है तो 1 साल तैयारी आगे कर लेनी है। बट रिमेंबर वन थिंग, इफ योर प्रिपरेशन इज पॉसिबल ऑन अ पीस ऑफ पेपर देन ओनली इट इज रियलिटी, अदरवाइज इट इज फॉर मी सिंपली एन इमोशन विच इज हैविंग नो बेसिस। मुझे सिर्फ डाटा दिखता है, डाटा डाटा कि आपने क्या प्लानिंग करी है, कितनी देर में कितना काम करोगे, है ना। और अगर वो डाटा एक पीस ऑफ पेपर पे फिजिबल है कि यस यू कैन कंप्लीट दिस थिंग इन 1 ईयर, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल। इफ समथिंग इज पॉसिबल ऑन अ पीस ऑफ पेपर देन ओनली इट इज पॉसिबल इन रियलिटी, अदरवाइज there is only one thing left, that is speculation. Pandit ji, kundli. Chance pe kuch bhi ho sakta hai. Theek hai? So these are the 3 primary factors which go towards selection of your option number 1. Clear hogi baat? Ab chahiye hum selection of option number 1. What is the criteria? Other criteria of choosing the option. Other criteria. One first and the foremost criteria which I say is interest. अगर आपका किसी चीज में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कीप दैट इंटरेस्ट। आपने जरूर देखना है कि क्या मुझे वो पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। Now when I say interest, interest has to be a reasonable interest. Reasonable interest. In every subject, you will find certain topics in which you are interested and in which you are not interested. आपको एक बच्चा मुझे आके कहता है सर हिस्ट्री तो मुझे बहुत पसंद है, बस मिडिल अच्छी लगती है। मिडिल किसी और से कराऊंगा क्या मैं? पेपर में तो आपने खुद लिख के आना है मिडिल का भी।
भाई ये मैं ऑप्शन रख लूँ इसमें से, बाकी तो सारा ठीक है, ये ठीक नहीं है। मैंने इसे रीजनेबल इंटरेस्ट, मतलब आपको पढ़ने में एक रीजनेबल इंटरेस्ट आया, अदरवाइज तो ये एक रेयर फिनोमेना है। आप मुझे आके कहो सर ये तो सब्जेक्टिव मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा दिल करता है दिन रात पढ़ने को, भाई वो और दिन रात करने को और काम बहुत है हमारे पास, ठीक है। अल्टीमेटली सब्जेक्ट तो पेपर के लिए तैयार करना है ना। इफ आई से हाइपोथेटिकली आप किसी को अंदर से वो तो नहीं कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट वाला, मजबूरी में ही करोगे सारे कि करना है पेपर के लिए तभी करोगे ना, आगे नहीं। इसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है बात को, इंटरेस्ट का मतलब ये नहीं है यू आर ऑल आउट फॉर द ऑप्शनल कि आप तो मरे जा रहे हो ऑप्शनल पे और दिन रात पढ़ने को दिल कर रहा है आपका, भाई पढ़ना तो मजबूरी में ही है, इतने साल ग्रेजुएशन कर ली, पढ़ लिया और कितना पढ़ना है, अभी एक एग्जाम में सब्जेक्ट लिखा हुआ है जो हमने तैयार करना है। दिस वन फैक्टर इज डिफाइनिंग योर इंटरेस्ट, एम आई राइट और रॉन्ग? सच बोलो हाँ या ना, जरूरी नहीं है हाँ बोलना है तुमने, कोई ना मिल, अगर कोई ना बोलता है तो मेरे से क्लास के बाद आके मिले। वी हैव टू कीप ऑप्शनल फॉर एग्जाम। नंबर टू, वी हैव टू सी द रीजनेबल इंटरेस्ट, ओवरऑल रीजनेबल इंटरेस्ट कि मेरा रीजनेबल इंटरेस्ट है या नहीं है। अब आपने ग्रेजुएशन में सेलेक्ट करा, बी कॉम करा, एम कॉम करा, प्लस टू में आपने कॉमर्स रखा, 7 साल आपने कॉमर्स पढ़ा और मुझे अब आके कह रहे हो आप सर मेरा ना इंटरेस्ट नहीं है इसमें, मैं क्या कहूँगा? बट लेकिन उस वक्त आपको ये बात याद आनी चाहिए कि सर ने रीजनेबल इंटरेस्ट वाली बात करी है, जो चीज मैंने 7 साल पढ़ी है यार वो नहीं रखूंगा यार, इतनी क्या बात होगी इंटरेस्ट की, जो 7 साल सहा है आपने 6 महीने और सह लेंगे लेकिन सब्जेक्ट तो मेरा तैयार हो जाएगा अल्टीमेटली। इन एग्जाम आई हैव टू राइट आंसर टू द क्वेश्चन, जब 7 साल मैंने सब्जेक्ट पढ़ लिया तो मैं आप क्यों चेंज करूँ, 6 महीने और सह लूंगा मैं इसको डिसइंटरेस्ट को, जब एक चीज में 7 साल आप डिसइंटरेस्टेड तौर पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है ना, और अब आप कह रहे हो मुझे इंटरेस्ट नहीं आके, तो इंटरेस्ट को गलत फहमी है, इंटरेस्ट है आपको रीजनेबल, ठीक है पेपर के लिए तैयार करना है कर लेंगे यार, वहाँ इंटरेस्ट फैक्टर नहीं आता यार। आपने एमएससी कर रखी है यार फिजिक्स की, एमएससी कर रखी है जूलॉजी की, कोई और ऑप्शन क्यों रखना है भाई? इफ समबडी टेल्स यू नहीं नहीं ह्यूमैनिटीज के रख लो इसमें तो नंबर नहीं आते हैं, इसमें फूलिंग यू, ऐसा कुछ नहीं, बात तैयार करने की भी। बात पेपर को तैयार करने की, लर्निंग की, राइटिंग स्किल की है कि आप क्वेश्चन जो पेपर में लिखते हो वो प्रॉपरली लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे, जब उस एग्जाम जो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है क्या वो पूरी कर रहे हो आप? डोंट लुक फॉर एन इजी पाथ इन सिविल सर्विस, ठीक है जी हमें वो कॉमर्स अपने आप करना पड़ेगा, ये ह्यूमैनिटीज का कोई टीचर करा देगा कर लेंगे, ठीक। आपकी सिलेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है और सिलेक्शन स्ट्रेटेजी से आती है, ये कोई इसको यूज करने के से आती है, किसी कोई टीचर में अगर दम होता कि मैं आपको अगर आईएएस बना मैं सबको बना देता यार, बनना तो आपने, ये क्लियर है ना सबके दिमाग में बात? ओनली वन पर्सन ऑन दिस अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फॉर योर सक्सेस, दैट इज यू, हम नहीं है, वी आर टू, हम एक पथ प्रदर्शक हैं लेकिन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम तो सबको सेम बता रहे हैं, हम तो सबको सेम बता रहे हैं, हमारे में कोई ताकत नहीं आपको आईएएस बनाने में, हमारे में ताकत है रास्ता दिखाने की, काउंसलिंग करने की बाय वर्च्यू ऑफ अवर एक्सपीरियंस कि आपकी तैयारी में ये प्रॉब्लम है, बनना आपने खुद है, क्योंकि ये क्रिटिकल डिसीजन छोटे 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 दे बिल्ड अप एज फैक्टर्स इन योर सक्सेस और फेलियर, हाउ यू टेक डिसीजन एट इट्स लेवल दैट डिसाइड योर सक्सेस एंड फेलियर, क्या आपको फायदा होने जा रहा है कि नहीं आ रहा। तो इंटरेस्ट की जहां बात हम करते हैं द क्राइटेरिया ऑफ रीजनेबल इंटरेस्ट इज टेकन, मतलब इट इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन योर स्किल सेट एंड द इंटरेस्ट, राइट?
And number two. Number two is the time required. Time required for preparation. Now time required for preparation has to be seen vis-a-vis weightage. आपकी 30% वेटेज है ऑप्शनल की. आपको ये देखना है कि अगर एक साल में मुझे तैयारी करनी है तो जीएस पे अगर मुझे इतना टाइम लगाना पड़ रहा है तो मेरे पास ऑप्शनल के लिए कितना टाइम है. नाउ दिस विल बिकम वन ऑफ द फैक्टर एट दिस टाइम कि भैया अगर मुझे ऑप्शनल के लिए मेरे पास कितना रिवर्स कैलकुलेशन करनी है. आप टोटल इतने डेज रफली अगर आप 8 घंटे रोज पढ़ रहे हो और एवरेज आपके पास 300 दिन है तो कितने हो गए 2400 घंटे हो गए 2400 आवर्स. ऑल्दो इट मे सीम स्ट्रेंज टू यू है ना, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रॉडली ये इंडिकेटर्स अच्छे रहते हैं. 2400 घंटे हैं आपके पास, 2400 आवर्स हैं आपके पास पढ़ने के, ठीक है. 2400 आवर्स में से आप लगाओ कि आपने आपने 40% इसमें से निकाल दिए. किस लिए निकाल दिए? जो दिसंबर पोस्ट दिसंबर पीरियड है जिसके अंदर आप नहीं पढ़ोगे ऑप्शनल, ठीक है ना. 40% निकाल दिए, कितने आ गए? करो कैलकुलेट के बराबर. कितने रह गए? 2400 में से माइनस 40% कर दो, रफली 1400 घंटे रह गए. 1400 घंटे रह गए टोटल. 1400 घंटे अब आपके पास दिसंबर तक हैं. 1400 घंटे में से आप 70% और निकालो, कितने रह गए? 300 घंटे. तो 250 से 300 घंटे आपके पास पड़ने के लिए अप टू दिसंबर. अब वो 250 से 200 घंटे 200-250 आवर्स का आप टाइम स्पेंड लगा के चलो, कितने घंटे आपके पास घर में ऑप्शनल पढ़ने के लिए? बाद में रोने से अच्छा है कैलकुलेशन पहले से क्लियर हो ना. 200 घंटे का मतलब है कि अगर मैं 2 घंटे रोज पढ़ता हूं तो कितने महीने? 6 महीने रखिए. 2 से 2.5 घंटे पढ़ता हूँ तो 6 महीने. अगर मैं 3 घंटे रोज ऑप्शन के लिए पढ़ रहा हूँ तो रफली कितना पढ़ा? 3 घंटे अगर मैं रोज पढ़ रहा हूँ तो 3 से 4 महीने. अगर मैंने 2020 में देना, अब आप एक ऑप्शन ऐसे रखे बैठ जाओ जिसमें आपको रफली 4 घंटे या 5 घंटे रोज लगाने पड़ेंगे 6 महीने के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा क्या उतना टाइम है, क्या आपका आपको एनालिसिस करवाना पड़ेगा कि भाई क्या जीएस का आपका उतना लेवल है कि कम से चल जाएगा, या यू आर रेडी टू पुट एन एक्स्ट्रा आवर एक्स्ट्रा एफर्ट आफ्टर दिसंबर. आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि आपने जिंदगी में कभी ऐसा सोचा नहीं पहले इतनी कमीनों की तरह. आई से यूज द राइट वर्ड कमीनों की तरह कि लाइक घंटे का जाप, लेकिन ये ऐसे करना पड़ता है. जो क्लियर करते हैं वो ऐसे ही करते हैं. दे आर लाइक दिस ओनली द मेन बिजनेस कि जो चीज़ मेरे पास सही नहीं है उसको क्लियर मैं उसको कैसे कमिट कर दूँ. मेरे पास जब टाइम है ही नहीं तो हाउ शुड आई कमिट. तो कागज पे आप अपना थोड़ा सा यहाँ पे बनाओ, थोड़ा सा लिखो ये कि इतने घंटे डेली मैं ऑप्शन को दे सकता हूँ अपना अपना सोच समझ के. जो आपके एंगेजमेंट्स हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की, उतना आपका आगे करना है. मुझे आपके ऑप्शनल में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे आपकी सक्सेस में इंटरेस्ट है. कहीं एक गलत डिसीजन ऑप्शनल का आपकी सक्सेस को हिंड्रेंस न बन जाए. बहुत केसेस में बनता है कि छोटा सा एक फैक्टर जो एक ऑप्शनल है उसने तैयारी को उड़ा दिया सारा. वो नहीं होने देना चाहते. ऑप्शनल आपकी तैयारी के अंदर सपोर्ट ही करे, हिंड्रेंस ना बने. अभी से शुरू करोगे आप तो 2 से 3 घंटे आप अक्टूबर नवंबर तक आराम से दे सकते हो. कि आप 4 घंटे की ऑप्शन लगा रहे हो क्लास, ठीक है ना. तो घर में अगर आप 6 से 7 या 8 घंटे पढ़ रहे हो घर जाके, तो 2 घंटे से 2 से 3 घंटे ऑप्शन को दे सकते हो.
इतना टाइम है आपके पास अपार्ट फ्रॉम जनरल स्टडीज जो कर चुके हैं जनरल स्टडीज पहले एंड दे आर अपीयरिंग इन 2020 एग्जाम कि आप जीएस कर चुके हो एक बार वो 3 से 4 घंटे भी लगा सकते हैं अभी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर ये 5 महीने अगर आप 4 घंटे रोज भी लगा दोगे कोई हार्म नहीं है इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस फ्रॉम इनसाइड कि यस आई स्टैंड समवेयर नहीं तो वो ऑप्शनल की जो लैक ऑफ प्रिपरेशन है वो भूत बन के आपके सिर पे नाचती रहेगी एक तरफ प्री की तैयारी कर रहे हो दूसरी तरफ माइंड में टेंशन घुसी हुई है अरे मेरा प्री हो गया तो जोकिंग यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ यू हैव टू से कि मेरा प्री होगा लेकिन दूसरी तरफ ऑप्शनल तैयार नहीं है आपका तो दिमाग का एक हिस्सा कहता है प्री ना हो और दूसरा हिस्सा कह रहा है प्री हो दिमाग कंफ्यूज यही होगा सबकॉन्शियस लेवल पे क्योंकि आपका ऑप्शनल नहीं तैयार है आपको पता है कि मेरी एरर है ये दिमाग का एक हिस्सा उसको रोक रहा है कि भैया ना ही हो तो अच्छा है दैट मींस वी आर प्लानिंग फॉर फेलियर कहां दिमाग का दूसरा हिस्सा भी कह रहा है बेटा तेरा ऑप्शनल भी तैयार है देख तेरी मेंस की तैयारी भी है कर 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 दिस इज अवर ब्रेन ब्यूटी ऑफ अवर ब्रेन पूरी ताकत आप ब्रेन की अगर एक पॉइंट पे लग जाए कुछ भी जा सकती है कहते ह्यूमन माइंड की ताकत अगर एक पॉइंट पे लग जाए तो हिमालय को भी ला सकते हो अरे कहावत है लेकिन वो लग ही नहीं पाती बस वी हैव एवरीथिंग इन दिस वंस योर ब्रेन फुली एंड यू फुली वांट कि आपका प्री होगा तो होगा नोबडी कैन स्टॉप यू बट उसके अंदर फिर इफ एंड बट्स कंफ्यूजन ब्रेन के अंदर नहीं होने चाहिए कोई सबकॉन्शियस लेवल पे हिंड्रेंसेस नहीं होनी चाहिए द होल ecosystem is pointing towards success ठीकों की बात ये क्लियर हो गया टेक्निकल बात now next is your resources कि करना क्या है मुझे I keep some optional what study material I have to study क्या मुझे पढ़ना है क्या छोड़ना है कैसे आंसर लिखनी है टेस्ट कैसे देनी है remember nowadays we are into an information age we have a new god with us google Isn't it? We have a new sub god with us, YouTube. छोटा god. Isn't it? तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है बाकी हम बैठे हैं हमसे आप किसी भी ऑप्शन का पूछ लो हम आपको उसके डूज एंड डू नॉट्स बता देंगे हमें नहीं पता होगा हम सोर्सेज ढूंढ लेंगे आपके साथ मिलके ठीक है ना इतना टाइम अब हो गया है आप किसी भी ऑप्शन का आंसर लिख के मुझे चेक करा सकते हो चाहे मेडिकल साइंस का लिख के ले आओ मैं कंटेंट चेक नहीं करूंगा लेकिन ये चेक कर दूंगा कि तेरे नंबर आएंगे नहीं आएंगे या नंबर लाने हैं तो ऐसे लिख आप इंजीनियरिंग का उठा लो एग्रीकल्चर का उठा लो कोई मर्जी आंसर ले आओ मेरे पास आई कैन ओनली टेल यू कि तेरे नंबर कैसे आएंगे मेंस में कंटेंट आपने खुद देखना वो नहीं मुझे पता बट एटलीस्ट आई नो ट्रिक्स अबाउट ईच एंड एवरी ऑप्शन कि हाँ इसमें ऐसे करके नंबर आते हैं दिस इज बाय वर्चू ऑफ एक्सपीरियंस ओनली नथिंग नथिंग ग्रेट डील इतना देख लिया सारे ऑप्शन देख लिया हमने यहाँ पे इतने बच्चे देख लिए वो हम रिसोर्सेज आपको आजकल आई थिंक कोई लैकिंग नहीं है एक टाइम पे जब हम तैयारी करते थे हम ये सोचते करते थे यार किसका पता लग रहा है वही रख लो इंटरेस्ट इंटरेस्ट हो गया तेल लेने सही बात है देयर वाज नो गूगल देयर वाज नो इंटरनेट एंड आई एम नॉट सपोजिटली वेरी ओल्ड आई थिंक तो बहुत रिसेंट बात है अभी ये एंड अवर वन ऑफ द मेज फैक्टर वाज कि मटेरियल किसका मिल रहा है कैन यू इमेजिन कि इसका मटेरियल मिल रहा है ये रख लो कोचिंग ढंग की मिलती नहीं चंडीगढ़ में था ही नहीं कोचिंग शुरू जीरो अब हैदराबाद भाग रहे हो दिल्ली भाग रहे हो इधर भाग रहे हो वहां को नहीं पता लग रहा किसके पास करें क्या नाउ डेज सबसे अच्छी बात है कि रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है And we are able to assist you anyway. Don't worry. तो अब आपके पास एक टोटल वही 6 फैक्टर हो गए एक तरह से कि मुझे ऑप्शनल कौन सा सिलेक्ट करना क्लियर हो गया नेक्स्ट स्टेप पे आई जाओ कि सिलेक्ट करना कौन सा है फैक्टर तो पता लग गए बट आर वेरियस ऑप्शंस बिफोर यू वेरियस ऑप्शंस ऑफ ऑप्शन मेरे पास ऑप्शंस कितनी है देखो दो तरह के ऑप्शनल होते हैं वन इज टेक्निकल ऑप्शनल
टेक्निकल ऑप्शनल्स। नाउ टेक्निकल ऑप्शनल्स एक जस्ट एक लूज सी टर्म है, कोई ऐसा टेक्निकल का मतलब नहीं है। टेक्निकल ऑप्शंस आर दोस व्हिच कैन बी केप्ट बाय पर्सन हैविंग अ स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड और इट इज रिकमेंडेड फॉर अ पर्सन हु इज हैविंग अ स्पेसिफिक एजुकेशन बैकग्राउंड। नॉट केप्ट, केप्ट तो कोई भी कर सकते हो। यूपीएससी कोई लिमिटेशन नहीं करती। यूपीएससी सेज यू कैन कीप एनी ऑप्शनल फ्रॉम दिस लिस्ट, चाहे आपने उस पर ग्रेजुएशन करी है चाहे नहीं करी। एंड आई हैव सीन स्टूडेंट्स कीपिंग लॉ, क्लियरिंग विद लॉ विदाउट डूइंग लॉ, विदाउट डूइंग एलएलबी। आई हैव सीन स्टूडेंट क्लियरिंग विद इकोनॉमिक्स विदाउट हैविंग इकोनॉमिक्स। आई हैव सीन स्टूडेंट क्लियरिंग विद इंग्लिश लिटरेचर विदाउट हैविंग लिटरेचर। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं रख सकता, लेकिन रेकमेंडेड ये ही है कि अगर आपकी कोई पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड है तभी रखिए। फॉर एग्जांपल इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कॉमर्स, लॉ, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सारे, मतलब देन मेडिकल सब्जेक्ट्स, बॉटनी, जूलॉजी, मेडिकल साइंस, राइट, लाइक दिस। ऑन द अदर हैंड वी हैव जनरल सब्जेक्ट्स विच कैन बी केप्ट बाय एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। वो कॉमन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं जिसकी कोचिंग मिलती है, हिस्ट्री, पब्लिक एड, सोशियोलॉजी, पॉल साइंस, फिलोसफी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इस रीजन के लिए पंजाबी लिटरेचर, एंथ्रोपोलॉजी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, और कोई है इसके अलावा, हो गया ना। दीज आर द नाइन सब्जेक्ट्स विच कैन बी केप्ट बाय एनी पर्सन इरिस्पेक्टिव ऑफ बैकग्राउंड। इसमें ऐसा कोई एडवांटेज नहीं होता कि आपने इस पर पोस्ट ग्रेजुएशन करी है तो आपको एडवांटेज है, नो। यूपीएससी हैज प्रिस्क्राइब्ड द सिलेबस and you will be asked questions according to the syllabus. ऐसा नहीं है कुछ आपने एमए कर रखी है तो आपको एडवांटेज होगा, नहीं होगा। बट दीज सब्जेक्ट्स यू मस्ट हैव सम पर्टिकुलर एजुकेशनल बैकग्राउंड, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंथी फॉर यू। ऐसा नहीं इम्पॉसिबल है, लेकिन आपके लिए बहुत लंबे हो, बिकॉज दीज ऑप्शंस इन्वॉल्व लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज आल्सो अबाउट दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन, right? So my strategy of choosing an option is very clear. First of all, I will analyze this. क्या whether I can keep from this? Do I have some educational background जिसमें से मैं option रख सकता हूँ? क्योंकि इसके मेरे बहुत advantage होते हैं। फिर को I can pursue my further studies या further career in that particular field होती है। Suppose किसी ने LLB करी है ना? देखो ध्यान से सुनो बात को। Practicality क्या है? Law करी है आपका, reasonable interest है law में। पहला तो रीजनेबल इंटरेस्ट जरूर कहूंगा मैं, वर्ड रीजनेबल वर्ड इज इम्पॉर्टेंट। लॉ आपने करी है भाई, अगर लॉ करी है तो चाहे एक साल तैयारी में ज़्यादा लगाना पड़ जाए, लॉ ही रखने में फायदा है। कल को लॉ, कल को आपने करी हुई है, कल को आप प्रोफेशन कर सकते हो, कहीं जॉब कर सकते हो, तो जरूर पढ़ सकती है, कल को जुडिशियल का एग्जाम दे सकते हो। लॉ के और लॉ ऑफिसर के कितने सारे एंट्रेंस एग्जाम निकलते हैं, गवर्नमेंट में निकलते हैं, प्राइवेट में निकलते हैं, वहाँ जा सकते हो आप। एक बात है तो लॉ रखना बेटर है ना, अगर रीजनेबल इंटरेस्ट है। अगर आपने ये सोच रखा कि मैंने लॉ फील्ड में जाने नहीं है तो मैंने वैसे कर ली थी, लेकिन अगर लॉ फील्ड में जाना है बट यू डोंट फील कॉन्फिडेंट अबाउट लॉ, तो आई विल सजेस्ट कि इन्वेस्ट वन मोर ईयर, देन व्हाट, कहीं भागे नहीं जा रहे, इट विल पे यू इन लॉन्ग टर्म, समझ गए। लेकिन किसी ने कह दिया नहीं नहीं लॉ में नंबर नहीं आते, मत रख लॉ, लॉ में तो बड़े ही करके, ऐसा कुछ नहीं है, हर सब्जेक्ट से बनते हैं। एंड प्लीज बी वेयर ऑफ सच पीपल हु मेक स्टेटमेंट्स विदाउट एनी अथॉरिटी, विदाउट एनी डाटा, विदाउट एनी, मतलब जस्ट दे आर गिविंग द स्टेटमेंट, दे हैव टू, वी हैव टू गो बाय द लेटेस्ट ट्रेंड्स कि आज क्या चल रहा है। वैसे कॉमर्स है, अगर आपने एम कॉम करी है, बी कॉम करी है,
सिर्फ बीकॉम के बेसिस पे हम कई बार कॉमर्स रिफ्रेन करते हैं बिकॉज जनरली बीकॉम में बच्चे कम पढ़ते हैं, एमई पढ़ के पेपर दे देते हैं, और फिर उनके लिए कॉमर्स चूज करना एक तरह से पूरी बीकॉम दोबारा तैयार करने वाली बात ही है। तो एक डेढ़ साल कॉमर्स पढ़ते रहेंगे, फिर आगे अगर कुछ करना है बहुत कुछ आपने तब बात अलग है कॉमर्स में, अदरवाइज तो फायदा नहीं। अगर आपने सीए कर रखी है, एमबीए फाइनेंस कर रखी है, एमकॉम कर रखी है, देन कॉमर्स इज प्रेफरेबल। अगर आप इंजीनियरिंग करी हुई आपने एंड यू हैव सम सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, दैट कैन बी कैप्ट बिकॉज आगे आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज दे सकते हो अगर चाहो। हाँ, आपने आगे इंजीनियरिंग में प्रोफेशनल परस्यू करना ही नहीं है, ठीक है, छोड़ दो। नॉट द पॉइंट। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको चॉइस सबसे पहले इसको एनालाइज करना है कि वेदर आई कैन कीप फ्रॉम दिस और नॉट। अगर इसमें से चूज हो गया काम खत्म, अगर नहीं हुआ तो इस स्टेज पे आते हुआ कि अब मुझे इसमें से एक देना है, ठीक है। अब ये लिस्ट ऑफ नाइन है, लिखो जरा नाइन एक मिनट के लिए। अच्छा, ऑप्शन डिसाइड हुआ क्या, क्या किया हुआ आपने, ध्यान से देखना आप अपने। बीकॉम करिए, कॉमर्स, एमकॉम करनी है, सीए करनी है, एमबीए फाइनेंस करनी है, छोड़ दीजिए। एक्सीडेंटली आ गए आप कॉमर्स में, ठीक है, हम सब एक्सीडेंटली खड़े हैं यहाँ पे। इंडिया में एजुकेशन नहीं एक्सीडेंट है, ये कहीं के नहीं है, डिफेंस में बैठी है, रखना चाहते चल कोई ईएस दे रहा है, कितने कॉम्पिटेंट हो इंजीनियरिंग में। आपने ये देखना है कि हाँ मैंने कर रखा है यार, अगर कर रखा तो घबराना नहीं है, पेपर देखना है एक बार टेलिंग, कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। वही क्वेश्चन कर दो, करीब हुई है एक्सीडेंटली।
मैकेनिकल बाय चॉइस तो ठीक है मास्टर्स इन तो आईटी मास्टर्स इन केमिस्ट्री केमिस्ट्री एमएससी लिखो चलता फुरता भूत को आपको टेंशन दे देगा। अच्छा तूने ये छोड़ दिया, वो तो आईएस बना था, इससे आपको रात को नींद नहीं आएगी, ये मैंने क्या कर लिया। लेकिन अगर प्रॉपरली एनालाइज करके छोड़ोगे या रखोगे, यू विल नॉट बी destabilized throughout the year. IT? No. Civil. So, civil. Chemical. Sociology. History and Pol Science. Likhlo. BSc Economics. BSc Economics. Aage kya kar rahe ho? Kuch karna hai aage? Koi correspondence economics? Post graduation kuch aur? Haan ji next. कॉमर्स में इंटरेस्ट है, लिखो सर बीकॉम बीएससी बायोटेक केमिस्ट्री एंड जूलॉजी। क्या रखना है सोचा? जूलॉजी रखनी है, लिखो कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस कुछ नहीं सर, बीएससी है सर, रखती नहीं है, मैं क्या करूं? आप पूछ रहे हो ना क्या रखना है, मत करो अभी। भाई मैं तो ऐसे कहूंगा यार, कमाल है जब हाई नहीं सेलेक्ट, मैं इससे हाईली अनजस्टिफाइड एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ यूपीएससी नॉट टू हैव कंप्यूटर साइंस इज ऑप्शन, जबकि कंप्यूटर साइंस इतना पॉपुलर है। डू यू नो उत्तरांचल सिविल सर्विसेज हैज कंप्यूटर साइंस इज ऑप्शन और यूपीएससी का नहीं है, एंड हैज बीन लॉन्ग डिमांड, इतनी मेल जा चुके हैं उनको, बट दे डोंट इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट कि भाई इतना कंप्यूटर पॉपुलर है एंड देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव डूइंग कंप्यूटर साइंस, व्हाई कांट यू कीप सब्जेक्ट? And what stupid argument is given? Practical कैसे कराएंगे? तुम्हें software बना के देखना है, चलिए कर लो। अब civil engineering में कौन से practical करा रहे हो? But they are not doing that, is frustrating and this is happening for last 15 years. 15 साल से ये चली जा रही है चीज। उत्तरांचल ने कंप्यूटर रख लिया सुबह, but UPSC में चलो फिर। UPSC medical. रख रहे हो कुछ? बीकॉम कर लिया। इलेक्ट्रिकल कहाँ से कर और ग्रेजुएशन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए आपको, कंप्यूटर साइंस छह महीने में ना यूपीएससी जो एक्सपीरियंट है ना वो बिल्कुल सेंटिमेंटल होना बंद हो जाता है कि वो इतना जलील हो चुका होता है, 10 में से 1, 10 में से 0, 20 में से 0 नंबर आ जाके कि वो बिल्कुल ही मतलब सब ठीक है ना, क्या सोचा? अब देखो सिंपली क्या बात है कि आपको फर्स्ट जो ऑप्टिमेट बनते हैं उसको आप एक बार जरूर चेक करो, डोंट सिंपली एक्सक्लूड इट, बिकॉज दिस दिस टेक्निकल ऑप्शन मे बी गुड फॉर यू, मे बी देखने का नजरिया से देखे एक चीज क्या, आपको सिलेबस देखना है ठीक है, आपको 10 ईयर पेपर देखो, 10 ईयर मतलब 5 ईयर होंगे, लास्ट 5 ईयर पेपर होंगे, आप हर पेपर में जस्ट टिक मार्क, एक एक्सरसाइज करनी है विच कैन चेंज योर लाइफ, प्रिंट आउट निकालो 5 पेपर के या 2 साल के पेपर के प्रिंट आउट निकालो, बिना एक बार सिलेबस स्टडी करो, पेपर को लेकर बैठ जाओ और टिक बार करते जाओ कि हाँ ये मैंने करा हुआ, 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 ब्रॉडली नहीं देखना, आई नीड दिस कंक्रीट एक्सरसाइज फ्रॉम यू,
मतलब अभी रिसेंटली एक बच्चे से हमने एक्सरसाइज कराई है, कैन यू इमेजिन 80% पेपर उसका आता था कि अगर मैं इसके ऊपर एक महीना लगा दूं तो मैं कर सकती हूँ आराम से। एंड शी वाज सरप्राइज्ड कि क्या हो गया, ये तो आते हैं मुझे पेपर। तो एक बार के लिए जस्ट 2 साल के पेपर का प्रिंटआउट निकालो, पेपर 1 पेपर 2, और लेके बैठ जाओ उसको, टिक बार करते जाओ उसके, हाँ ये हो जाएगा, करा हुआ मैंने एक बार, चाहे अभी याद नहीं है कोई बात नहीं, टक टक टक। एक बार प्रैक्टिकली ये बात करके देखो, फिर देखो कि हाँ, बट डोंट गो बाय एनी लेमैन टाइप ऑफ एडवाइस, ओनली 1% के नेटिव आईएएस वो आपको दो। यूपीएससी में सब कुछ आसान है, बस नंबर लेना मुश्किल है, जिसके बेसिस पे आपने बनना है, और नंबर आएंगे आपके अपने डिसीजन पे। ओके, आपने ये या तो रख लिया या एलिमिनेट हो गया, अब आप इस पे आओ नॉट, सपोज आपने इसमें से रखना है कोई, तो इसका फर्स्ट स्टेप ये है ब्रॉड एलिमिनेशन। ब्रॉड एलिमिनेशन का मतलब है कि समटाइम्स सी वी हैव अ इमीडिएट रिएक्शन टुवर्ड्स दिस वेक्टर, ये तो मैंने रखना है ही नहीं, होता ना बचपन से ही कुछ रिएक्शन होता है कि मैंने तो रखना ही नहीं, काटा मार दिया, नहीं जी ये मैंने नहीं रखा, ये रख सकता हूँ, ये रख सकता हूँ, ये नहीं रखता हूँ, ये रख सकता हूँ, ये नहीं रखना, ये नहीं रखना। तो 9 में से आप 3-4 ऑप्शंस अपने आपने निकाल लिए फर्स्ट स्टेप कि हाँ इसमें मेरी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है ना। एंड देन थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, आपने इन 3-4 स्पेट्स को देखना है प्रॉपर्ली, सिलेबस देखो, थोड़ा सा पढ़ के देखो इनमें से, देन ट्राई टू लोकेट योर इंटरेस्ट, तीनों में से कौन सा आप रख सकते हो। अगर ये तीनों में से कोई हमारे पास है ऑप्शन, आप इंडक्शन लेक्चर्स जो कल से स्टार्ट हो गए वो लगा के देखो। इंडक्शन लेक्चर्स आर ओपन फॉर ऑल, आप कोई भी स्टेट में घुस सकते हो, एंड इट विल नॉट क्लैश विद योर जनरल स्टडीज क्लास, आप फ्रीली वो इंडक्शन शेड्यूल फॉलो करके आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप लगाओ, आस्क एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर टू असर्टन कि वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन दैट ऑप्शन ऑर नॉट, राइट। वी आर गिविंग आई थिंक 5 ऑप्शंस, हिस्ट्री विल बी टेकन बाय अंकुश सर, ज्योग्राफी विल बी टेकन बाय आरके सिंह सर, देन पब्लिक एड विल बी टेकन बाय अभिषेक सर, सोशियोलॉजी आई एम टेकिंग, और क्या रहेगा पोल साइंस प्रीतम सर, एंड वी आर ऑल वेरी गुड इन आवर सब्जेक्ट्स, मतलब वी आर कैपेबल ऑफ टेकिंग टू द लेवल ऑफ एनी लेवल इन यूपीएससी एट द नेशनल लेवल, मतलब जो आपको नहीं आता होगा ऐसा नहीं होता किसी को आ सकता होगा। इन 5 ऑप्शन के बारे में हम ये कह सकते हैं, फील कॉन्फिडेंट, ये कॉन्टेंट है, ये पढ़ना है, ये पेपर है आपके सामने, तो आप लगा के देखो कि वेदर कौन सा ऑप्शन आप रख सकते, उसके बाद देन यू डिसाइड वेदर आपने कोचिंग लेनी है, सेल्फ स्टडी करनी है, कब करनी है, कब, लेकिन एक बार डिसाइड करके रख लो। इवन इफ यू आर अपीयरिंग 21 और 22, आप डिसाइड करके रख लो कि हाँ मैंने, मेरे को ये ठीक लगता है, सो दैट स्लोली एंड स्लोली आपका माइंड बिल्डअप होना शुरू होता है। तो यही स्टेप्स है, 1, 2, 3, बट नो शॉर्टकट कि आई एम आस्किंग सम अदर, जैसे मेरे पास आते हैं कई पेरेंट्स सिफारिश निकाल के आएंगे, सर ये अपना बच्चा है इन्हें कड़ा ऑप्शन रखवाइए, आई एम एलर्जिक टू द स्टेटमेंट कि बच्चा ना हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया कि कड़ा सब्जेक्ट रखवाइए, हाउ कैन आई टेल यार, इट्स अप टू द स्टूडेंट टू पढ़ना, उसने तैयार उसने करना, हाउ कैन आई टेल, नहीं तू ही दस दू बस वही रख लेना अपना, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। आप उनके पास आके सर मैंने कोई भी पढ़ लेना आप बता दो मुझे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, आपको डिसीजन अपना खुद लेना ही पड़ेगा। Unless until you own your decision, yes, मैंने रखा है, तब तक वो पैशन वो आग नहीं आएगी। जब तक आप ये डिसाइड ओन नहीं करोगे कि मैंने तैयारी करनी है, एंड आई हैव टेकन दिस डिसीजन और मैंने आईएएस बनना है, तब तक वो आग नहीं आएगी। एंड देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हिच इज इम्पॉसिबल, यू कैन ऑलवेज डू इट, इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग टाइम
taking your decisions and just planning your preparation for 1 year. भूत की तरह मतलब जुनून होना चाहिए कि यार मैंने एक साल की जिंदगी का दे दिया. पर राइट डिसीजन है राइट टाइम. अभी हम तुलमुल हो गए और बाद में देख लेंगे ऑप्शनल. नवंबर में ऑप्शनल स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, फिर ऑप्शनल को छोड़ रहे हैं बीच में ही, फिर उधर टेस्टों के लिए रो रहे हैं, पीछे से ब्रेन कह रहा है कि ऑप्शनल होते तैयार नहीं है तो करेगा क्या. यू आर बीइंग टोल्ड एट दिस मोमेंट कि अगर 20 में देना है तो ऑप्शनल भी करना है. You cannot delay it, or you will have to delay your preparation by 1 year. That's it. अभी आपको पूरा दबा के काम करना है next 3-4 महीने. कोई diversion नहीं. 100% time on UPSC preparation. 100% time on UPSC preparation. Our options will be run 3 days a week. ये इसीलिए किए गए हैं so that you can invest time on general preparation. Wednesday, Saturday, Sunday. ये 3 दिन आपके lecture class होंगे. 4 hours each. इसके अलावा टीचर और आपके बीच का अरेंजमेंट है, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास टीचर रखना चाहता है वो रख सकता है. अदरवाइज ऑफिशियली ये 12 घंटे का मंथली वीकली टाइम है, सो दैट आपका टाइम बचे. 4 दिन आपके पास सिर्फ जीएस करने के बाद, तो बस फ्री है. एंड दिस एक्सपेरिमेंट हैज बीन हाईली सक्सेसफुल और सिलेबस भी पूरा हो रहा है कम्फर्टेबली. हम 2 बार कर चुके हैं एंड वी आर फुली कॉन्फिडेंट की कोई दिक्कत नहीं है. वीकेंड बैच अगर आपका है कि आप सैटरडे को वेडनेसडे की क्लास नहीं लगा सकते तो आपको हम ये तीनों सारा बैच ऑनलाइन प्रोवाइड कर देंगे. पहले आप ये वेडनेसडे वाली क्लास जब लगाना चाहो लगा सकते हो, अगर नहीं लगा पा रहे तो ऑनलाइन सुन लो. यूज टेक्नोलॉजी देन व्हाट, क्या दिक्कत है. किसी की केस में भी ट्रू है ये. इनकेस आप तीनों लेक्चर नहीं लगा सकते फिजिकली, आप एक लेक्चर जो आपका मिस हो रहा है वो ऑनलाइन निकालो, वो अपलोड हो जाएगा. क्या दिक्कत है. यही बेस्ट पॉसिबल पाथ है अगर आपने 2020 में देखा. ये क्लियर हो गया. ये दिस इज बेसिकली द होल problem of the optional preparation in civil services. I have touched each and every aspect. Now you can ask me any question. The weekend time is your day? Pardon? Weekend time is your day? 12-4. You can't say RG4. Yes. Maza hai. So? Dekho, mind se har hindrance nikal deni hai bahar. So? So this way to 2021 में देना है. हाँ. तो ऑप्शन मतलब कब ऑफ है. देखो आपके पास 2 चांसेस है ऑप्शन. आप जो नवंबर वाला बैच है वो स्टार्ट करो, आइदर नवंबर और नेक्स्ट जून. बेटर विल बी नेक्स्ट नवंबर कि अगर 2019 में स्टार्ट करके 20 के बिगनिंग में खत्म हो जाए तो पूरा साल आपके पास फिर टेस्ट सीरीज और उसके लिए फ्री होगा. अभी अप्रैल नवंबर क्या करो, जो भी ऑप्शन डिसाइड करो उसका बेस बन जाएगा. वो हमसे आप मिलोगे, किसी आप मेरे से मिल लो, कोई भी स्टेट के बारे में मिल लो कि ये इसके लिए क्या पढ़ूंगा. तो बेसिक उतना कभी घंटा आधा घंटा जस्ट बिल्ड अप योर माइंड. उसका कोई मतलब अगर आप पढ़ के क्लास में बैठे हो ना उसकी बात ही डिफरेंट. सपोज आपने हिस्ट्री एक बार पढ़ी हुई है, एनसीईआरटी से पढ़ी हुई है सारी, आप क्लास लगा रहे हो बात ही अलग है. ठीक है जी. हाँ जी. और कुछ कोई किसी भी सब्जेक्ट के बारे में सर, टेक्निकल सब्जेक्ट की किस तरह हेल्प कर देंगे. आई मीन आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि टेस्ट सीरीज तो ऑनलाइन सारी मिलती है. आंसर चेक करना, वो आंसर चेक तो वो जहाँ से टेस्ट सीरीज लोग वो चेक करके भेजेंगे ऑनलाइन ही. हाँ
अपार्ट फ्रॉम दैट आई कैन हेल्प यू कि इस क्वेश्चन को ऐसे कॉन्स्टिट्यूट करो जो यूपीएससी को चाहिए. कौन सा सब्जेक्ट? सर एक स्टेप मार्किंग होती है जी मेंस में आंसर राइटिंग में स्टेप मार्किंग होगी. स्टेप मार्किंग बिल्कुल. यूपीएससी इज ऑल अबाउट स्टेप मार्किंग. आपका आंसर बिल्कुल ठीक है नंबर फिर भी नहीं आते. सर और स्टेप मार्किंग इज देयर इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. हमने अरे अब कितने साल हो गए तुमने कोई टकर जाता है तो वंस आई गॉट द ब्लूप्रिंट. कोई प्रोफेसर थे ऑल्दो सर मेरी कॉन्फिडेंशियल थे कोई बहुत पहले प्रोफेसर थे उनके पास पेपर चेकों में आते थे. पहले पेपर ना बाहर चेकों में आते थे कि प्रोफेसर को भेजते थे साथ में ब्लूप्रिंट आते होते. तो आई हैपन टू लुक एट दी ब्लूप्रिंट जो विच केम अलॉन्ग विद द आंसर शीट कि आपको कैसे चेक करना पेपर एक मेटिकुलस ब्लूप्रिंट. तो इवन ह्यूमैनिटीज के क्वेश्चन के आंसर नंबर कैसे हैं. क्वेश्चन लिखा हुआ है आंसर है पैराग्राफ बने हुए हैं और हर पैराग्राफ पे कि अगर ये आर्गुमेंट दिया तो इतने नंबर ये ऐसे. ऐसा नहीं है कि आपने आंसर ले दिया तो कुछ भी नंबर दे देगा एग्जाम में. थिंग्स आर क्लियर कि यार ये आर्गुमेंट हैं ये कंपोनेंट्स हैं आंसर के होने चाहिए उतने नंबर उसके हिसाब से मिलेंगे. आपने एक कंपोनेंट मिस कर दिया वो नंबर गए आपके. मैथ में भी सेम सिविल इंजीनियरिंग बिल्कुल स्टेप्स के आंसर है जितने स्टेप्स आपके मेटिकुलस होंगे उतने नंबर बढ़ेंगे. मतलब मैं टेक्निक बताता हूँ मैथ का लिखने का तो बंदा देखने वाला ये कहता है यार ये ह्यूमैनिटीज का आंसर है कि मैथ का है और नंबर ऐसे बरसते थोक में पता भी लगता कहाँ से आ रहे नंबर. लेकिन फिर वो मेहनत करनी पड़ती है दबा के पूरी कि वो देखने वाला ये ढूंढता रहता है मैथ का ये ह्यूमैनिटीज का आंसर है. आंसर लिखना डिफरेंशियल इक्वेशन का ये नहीं पता लग रहा कि ये ह्यूमैनिटीज का आंसर है कि थ्योरी लिखी हुई है वहाँ पे उसके भी. साढ़े साढ़े चार सौ नंबर क्रैक किए हमने मैथ में 600 में से साढ़े चार सौ पर फिर वो जान लगानी पड़ती है उसके लिए दिन रात. नंबर कोई भी ले सकते हो लेकिन बात वही है ना हमें वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस दे. अगर मैं किसी स्वेट में टारगेट कर रहा हूँ 450 तो मुझे काम उसके अकॉर्डिंग करना है ना. तो अगर मैं उसमें 450 टारगेट करूंगा उसमें पता नहीं आए ना आए ये नौ जी एस का बैठा बैठ जाए तो मुझे तो ट्रेड ऑफ है मेरा तो मेरे को तो बैलेंस देखना. आई एम नॉट बी टारगेटिंग 450 लेने को. आप सब में सब अपने अपने ऑप्शन में इतने मर्जी नंबर ले सकते हो लेकिन बात फिर कोई टाइम की है ना कि टाइम क्या लगा रहे हो. एनी अदर क्वेश्चन? सर पंजाबी लिटरेचर जैसे बोल रहे हैं लेंथी है. पंजाबी लिटरेचर लेंथी तो नहीं है. पंजाबी लिटरेचर करवाने वाले पे डिपेंड करता है. देखो एक टीचर है वही आपको ये कहता है कि बेटा ये 40 किताबें पढ़ ये आर्टिकल तेरे को दे दिए दे और ये लिख के दिखा मुझे तब तो लेंथी लेंथी है. यू गॉट द पॉइंट? तब तो वो लेंथी लेंथी है. लेकिन अगर कोई टीचर आपको ऐसे करा दे कि भैया ये देख पेपर वन इसके बनते 40 क्वेश्चन है अगर सारा सिलेबस भी करा दूंगा और ये पेपर टू इसमें तेरे बनते 60 क्वेश्चन हो गए तेरे 100 क्वेश्चन ये तेरे को करा दिए काम करा. लेकिन कोई अगर आपको कहे सारी किताबें पढ़ बैठ के फिर तो लेंथी है ही नहीं यार. अगर कोई टीचर आपको ऐसा मिलता है कि 3 महीने में 4 महीने में करा के खत्म करते हैं तब वो अलग बात है. बट पंजाबी लिटरेचर में एक ही चीज इंपॉर्टेंट है योर एक्सप्रेशन कि हाउ यू हैव दैट लिटरेरी एक्सप्रेशन और नॉट. आपके अंदर वो नंबर उससे वेरी करते हैं. नंबर उससे वेरी करते हैं कि आपके अंदर वो चीज है कि वो एक्सप्रेशन आ रहा है कलात्मक थोड़ा सा. देखो लिटरेचर कोई भी रखोगे उसमें हर किसी आर्ट इन्वॉल्व है कि पढ़ने वाले को लगे कि फ्लो चल रहा है ना और एक बात चल रही है और आप एक कुछ आर्टिस्टिक चीज निकल रही है हर किसी आर्टिस्टिक तो कुछ तो आए ना. 2+2=4 लिटरेचर नहीं होता. उसके लिए आपको थोड़ा सा आपका टेस्ट होना गुरबाणी जैसे पढ़नी है आपको याद करने है कबीर के दोहे याद करने तो रट्टे मारने पड़ने हैं. बट इतना मैं बता दूं आपको छोटी सी बात समझ के चलो
ऑप्शनल अगर आप अपने जैसे कोई भी ऑप्शनल यूपीएससी में रखते हो, इनकेस सम हाउ यू आर एबल टू लिंक दैट ऑप्शनल विद योर विद सम इवन पोस्ट प्रिपरेशन इंटरेस्ट इन वन वे, दैट इज ऑलवेज बेनिफिट. मतलब प्योरली ठीक है स्वेट आपने सोचना है यूपीएससी पढ़ने से, बट इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू थिंक कि कल को मैं इसमें अपना कुछ प्रोफेशन भी परस्यू कर पाऊंगा या कुछ अल्टरनेटिव कर पाऊंगा तो कोई हार्म नहीं आज की डेट में, क्योंकि 500 नंबर का सिर्फ स्वेट है. विंडो इज वेरी स्मॉल, मतलब विंडो कोई बहुत बड़ी नहीं है एक अच्छे स्टूडेंट के लिए. जो एक अच्छा स्टूडेंट है जिसने ऑप्शन तैयार किया हुआ है अपना पूरा, विंडो हार्डली 40 नंबर, 30 से 40 नंबर की है, या तो 260 आ जाएंगे, 250 आ जाएंगे या 300 आ जाएंगे. और ये विंडो आप डिटरमिन कभी नहीं कर सकते इतने के नंबर आ रहे हैं आजकल, क्योंकि क्वेश्चन छोटे छोटे इतने हैं कि क्वालिटी एलिमेंट डालना बहुत अच्छा होता है, बड़ा सरफेस पे लिखना पड़ता है. तो इतनी विंडो आजकल है कि पहले होता जब 600 नंबर 500-600 नंबर का पेपर होता था, 150 नंबर की विंडो होती थी कि 300 भी आ रहे हैं और 400-450 भी आ रहे हैं. अभी विंडो बहुत स्मॉल रह गई है, तो बहुत सेंटी नहीं होना स्वेट पे. आप चाहे मैथ रख लोगे, सिविल रख लोगे, ठीक है ना, नंबर उतरे के रहने हैं. क्योंकि कोई स्वेट छोड़ना या रखना ये मत सोचना कि मैंने सिविल रख लेना तो मेरे कहीं 500 में 400 आ जाने हैं, नहीं, आने उतने ही है, विंडो वही है, आने फॉल इसी में करने हैं. लेकिन वो फिर ठीक है ना, आपने अपना स्वेट रखा, आपका वो रिवाइज हो रहा स्वेट, कल को काम आएगा किसी और चीज में, नंबर तो नहीं आने. नंबर उतने के आने हैं. ये बात आपके लिए खैर अभी समझनी बहुत मुश्किल है जो मैं बात कर रहा हूँ विंडो की, ये एक्सपीरियंस के साथ ही आती है, कोई उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर सके तो बहुत अच्छा, अदरवाइज ही धक्के खा के आती है कि जोर लगा लिया तभी नंबर उतने ही आ रहे हैं. सब करके तो बहुत अच्छा है, तो यूपीएससी फ्रॉड है. यूपीएससी फ्रॉड नहीं, यूपीएससी मॉडरेशन करती है. आपने भी यूपीएससी को उतनी फीस दी है, एक बेचारे हिस्ट्री वाले ने भी उतनी फीस दी है, तो उसने गुनाह किया कोई क्या? अब हिस्ट्री में क्या बच्चा आंसर लिख के आएगा और एक मैथ्स में आंसर लिख रहा है, दोनों को इक्वल थोड़ी कर सकता हूँ मैं. एंड यूपीएससी अंडरस्टैंड्स दिस, यूपीएससी मॉडरेट कर देती है दोनों को. ये नहीं आप मैथ्स में सारे आंसर ठीक करके आए तो आपके 500 में 450 आ जाएंगे. नो, मॉडरेट होकर नंबर उतने के आने हैं, विंडो वही रहनी है. आप देख लो सीधा ट्रेंड्स, 280, 290, 260, 255, जो मतलब आने वाला को 200 भी आते हैं. मैं एक अच्छे स्टूडेंट की जिसने पूरा स्वेट तैयार कर रखा है उसकी विंडो बता रहा हूँ. जिसने स्वेट ही पूरा तैयार नहीं किया उसके 200 नंबर आ रहे हैं तो काहे के तैयारी करिए. अगर 500 में से 200 आ रहे हैं आपको अकेले तैयारी क्या करिए, फिर वैसे ही सिलेक्शन होनी. अगर 500 में से 200 आ गए वैसे बाहर हो आप, आपकी पॉसिबिलिटी 500 से 250 के ऊपर बनती है. तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ विंडो की. और विंडो कब बनेगी, वो खुलेगी कब विंडो, जब स्वेट पूरा आपका, जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टेप्स मैंने तीन बताए आपको शुरू में फर्स्ट में, कि प्री से पहले क्या होना चाहिए, रिजल्ट से पहले क्या होना चाहिए, पोस्ट रिजल्ट में क्या होना चाहिए, ये तीन स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हो क्लियरली तो विंडो आपके लिए खुली है. ये विंडो खुली है तो आप इस विंडो में एंटर कर गए, ये आपकी पॉसिबिलिटी क्रिएट होगी 260 आने की. अदरवाइज सपने में भी ख्वाब लेना क्राइम है, गलती सपना मत ले लेना. वही 205, 210, 220 पे गिरोगे अगर ये तीन स्टेप नहीं फॉलो किए. मिनिमम स्टेप्स है ये और बड़े रियलिस्टिक है, कोई अनरियलिस्टिक स्टेप्स नहीं बोले मैं, बट मेथड है स्टेप 1, 2, 3 क्लियर है. तीसरे स्टेप पे जैसे आप पहुंचे विंडो खुल गई आपकी 260 की, यस यू कैन गेट. और आएंगे कैसे नहीं आएंगे, अल्टीमेटली आफ्टर ऑल एग्जाम इज अ सेट ऑफ क्वेश्चन, इफ यू प्रिपेयर वेल यू स्कोर वेल. कोई ऊपर से नहीं क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्वेश्चन के आंसर ही कहीं तो लिखे हैं, कोई तो करेगा. आप तैयारी कर रहे हो, तीन स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, आप एम यू हैं. अगर आपको नहीं आते होंगे तो किसको आते होंगे, किसी को नहीं. और अगर किसी को नहीं आते हुए नंबर फिर भी आ जाने आपके, क्योंकि मॉडरेशन है. सपोज यू आर स्कोरिंग 500 में से 200 स्कोर कर रहे हो और आप इन जनरल आपका जो सिलेबस में आपके
सब्जेक्ट में परसेंटाइल लो है सब्जेक्ट, उन्होंने 300 को उठा के इसको 270 कर देना, रिलेटिव लेवल पर ले आएंगे कि एक्चुअल में स्कोर आपका 200 है, 70 ऐड कर दोगे आप, वो फार्मूला उनका बताता है कितने ऐड होने हैं इसमें, 270 आ गए। आप कहोगे यार मैंने लिखे तो चाहे ना, नंबर कैसे आ गए, इट हैपेंस क्वाइट नंबर, बच्चे आके सरप्राइज करते सर ज़्यादा तो कुछ लिखा था होता ही नहीं कुछ, तो पेपर ही बड़ा अपडेट आया होता, पता नहीं नंबर कैसे आ गए, पेपर टू पर 250 में से सर मेरे तो 140 आ गए, और पेपर वन में सर मेरे 160 आ गए, 300 नंबर आ गए सर, मैंने तो किए नहीं था, मैं तो अटैम्प्ट मेरा 400 का था, मैं तो 400 में से 300 आ गए मेरे, वो नहीं आए, क्या है ये मॉडरेट। भाई मुझे ये डिफाइन कर दो इंटरेस्ट, किस बेसिस पे कह रहे हो आपको इंटरेस्ट है, मतलब कितने जॉब्स की चाबी पड़ती है उनके काम लेने, एटलस कितना डेली देखते हो आप, या कितना घूमे हो कि आपको ज्योग्राफी में आप वीडियोस देखते रहते हो नेशनल ज्योग्राफी के, और ये वो मैडम इंटरेस्ट नहीं है, अंदर फेफड़े से आवाज आ रही है यहाँ से नहीं है, जब पढ़ने बैठोगे तो कहोगे यार इंटरेस्ट नहीं है आपको, आई एम वेरी प्रैक्टिकल, मुझे आपकी सक्सेस से फर्क पड़ता है, एम ई एटी करके आप इलेक्ट्रिकल छोड़ के आप ज्योग्राफी को आप देख रहे हो, बात होती है, फर्स्ट फॉलो दिस प्रोसेस एंड देन मीट मी, मेरे को आपसे पेपर चाहिए दोनों साल के टिक मार्क किए हुए कि कितने आपको आते हैं, बस 15 दिन लगाओ इस पर, देन लेट अस सी, अभी आपने अगर ये ऑप्शन लगा के देखने लगा के देख लो को, लेकिन गलती मत करना, ओनली 1% कैन मेक यू आई, वो कौन है, आप खुद। इंटरेस्ट जो वर्ड मेरे से बोलता है मैं सीधा एक क्वेश्चन पूछता हूँ कितनी किताबें पढ़ी, या मुझे सिलेबस बता दो सारा, बोलना शुरू कर दे सिलेबस में क्या क्या है, हमें सिलेबस ही नहीं पता होता, वो वैसे कई बार लगता होता है कि इंटरेस्ट है, वो होता नहीं एक्चुअली, बट देन यू स्टार्ट डूइंग इट देन यू फील बर्डन कि अरे मैंने वो छोड़ के ये कर लिया, अगर 6 महीने मैंने ज्योग्राफी में लगाना था, इससे अच्छा अगर मैं 6 में से 4 महीने भी लिटरेचर में लगा लेती ना सर, विंडो मेरी वही ओपन है, ये मैं सोचता हूँ ज्योग्राफी में से 500 में से 400 आ जाएंगे, विंडो यही है, तो अगर 4 महीने में प्रैक्टिकल में तो आपको ये विंडो मैं दिखा दूँ जिसमें आपको काम कितना कम करना पड़ेगा, फिर तीन बातें और लिख लो बस आप, पहली बात नेवर कीप ऑप्शनल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन जनरल सर्विस, कोई अगर आपको ये कहता है कि ये स्पेड रख लो जीएस में काम आएगा, तो दो ही बातें हो सकती है, या तो खुद वो बेवकूफ इंसान है या आपको बेवकूफ बना रहा है, तीसरी बात नहीं हो सकती, वो बेवकूफ खुद कैसे है उसको पता ही नहीं होगी, ऐसे वो बेचारा इग्नोरेंट है इसका कोई माफ किया सकता है, ठीक है ना, या वो फिर आपको बेवकूफ बना रहा है, उसको पता है ये बात लेकिन आपको बेवकूफ, क्योंकि इवन इफ यू कीप एनी ऑप्शन आपको जीएस के लिए उसको दोबारा जीएस के पार्ट से करना ही पड़ता है, अगर आप ऑप्शन स्वेट वाले आंसर क्यों राइट इन जीएस नंबर नहीं आने वाले, ना ही आप लिख पाओगे, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन डेमोक्रेसी, अगर पॉलिटिकल साइंस वाला क्वेश्चन लिखेगा ना ये कुछ और ही लिख के आएगा, और वो जनरल स्टडीज में क्लियरली लिखते हैं कि इट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ जनरल पॉइंट, क्योंकि जनरल स्टडीज में जो पेपर चेक करेगा बंदा आपका वो कौन होगा, वो एक जर्नलिस्ट होगा, जर्नलिस्ट जो यूपीएससी का अप्रूव्ड पैनलिस्ट है वो कोई पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर नहीं होगा, और ऑप्शनल में कौन पेपर चेक करेगा आपका, पॉलिटिकल साइंस का, सेम इज ट्रू फॉर सोशल, सेम इज ट्रू फॉर हिस्ट्री, सेम इज ट्रू फॉर ज्योग्राफी, याद रखना इस बात को। नंबर दो, देयर इज नथिंग कॉल्ड लेंथी और स्मॉल, छोटा या बड़ा ऑप्शन कोई नहीं होता, इट्स ऑल अबाउट प्रिपरेशन टाइम, कि टाइम कितना रिक्वायर्ड है, समटाइम्स यू विल सी सिलेबस बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन प्रिपरेशन टाइम उतना ही होता है, हिस्ट्री का सिलेबस आप देखोगे आपको बड़ा लगेगा लेकिन तैयार उतने टाइम में होगा,
सोशोलॉजी आपको लगेगा छोटा सा सिलेबस है लेकिन क्या अपने टाइम में हो तो यू जज एवरी ऑप्शन बाय प्रिपरेशन टाइम नॉट बाय लेंथ गॉट द पॉइंट फिर ओके बात नंबर थ्री देयर इज नथिंग कॉल्ड स्कोरिंग एंड नॉन स्कोरिंग ऑप्शन ये बातें आप ग्रेजुएशन पे या पोस्ट ग्रेजुएशन में छुट गए तो छुट गए ये यूपीएससी पे चीज अप्लाई नहीं करती है यूपीएससी में विंडोज ऑपरेट करती है कोई ऐसा नहीं होता कि ये मैथ है ये स्कोरिंग है जी जैसे पहले बात करते थे हम क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल पे कोई मॉडरेशन नहीं होती कुछ नहीं होती ठीक है वैसे चलता काम लेकिन यूपीएससी के अंदर कोई स्कोरिंग या नॉन स्कोरिंग ऑप्शन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है ओनली वन थिंग इज ट्रू दैट यू हैव टू बी बेटर विद इन योर ओन ऑप्शन You are competing with your own, within your own option. Yes. आप अपने ऑप्शन के अंदर ही कम्पीट कर रहे हो इफ यू आर इन टॉप टेन इन योर ऑप्शनल विद इन योर ऑप्शन यू विल ऑल्सो टॉप टेन इन फाइनलिस्ट मतलब फाइनल आफ्टर मॉडरेशन मार्क्स सपोज आपके नंबर आए 300 और आप टॉप टेन में हो मैं बहुत सी बात बता रहा हूँ इट मे नॉट बी ट्रू आइडिया देने के लिए और एक स्वेट्स मैथ है बंदा उसके नंबर आए 500 में से 400 ये भी टॉप 10 में है तो जो मॉडरेशन मॉडल है यूपीएससी का वो दोनों को मॉडरेट करके ऐसे नंबर एलोकेट कर देगा कि ये दोनों ही बच्चे टॉप 10 में होंगे टॉप 10% में होंगे परसेंटेज नॉट टॉप 10 10% टॉप 10% में होंगे आफ्टर ही गेट मार्क्स चाहे फिर इसके 300 में से 20 ऐड हो जाए इसमें या इसके माइनस में तो एक्चुअली यू आर कंपीटिंग विद पीपल बड़ा मेटिकुलस सिस्टम है अभी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है सुप्रीम मद्रास हाई कोर्ट में यूपीएससी हार गई थी मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि अपना मॉडल ऑर्डरेशन सिस्टम बताओ जजमेंट ही आई थी दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक 7-8 ईयर्स हो गए तो यूपीएससी ने कहा थी ये तो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है हम नहीं बताएंगे कि हमारा मॉडरेशन सिस्टम क्या है एंड कैंडिडेट हैज एग्रीड टू अवर टर्म्स एंड कंडीशंस तो वी आर नॉट ऑब्लाइज टू शो मॉडरेशन इट इज अवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हम ये ओपन नहीं कर सकते इट इज लायबल टू बी स्टोलन केस गया आप सुप्रीम कोर्ट में अब 7-8 साल से ठंडे बस्ते में पड़े यूपीएससी को पता है कि हर सिस्टम में थोड़े बहुत लूपहोल होते ही हैं अब अगर एक बार ओपन कर दिया तो फिर तो लिटिगेशन चलेगी और विदाउट मॉडरेशन ये चीज पॉसिबल नहीं है पहले मॉडरेशन बड़ी मुश्किल थी व्हेन देयर यूज्ड टू बी टू ऑप्शंस लेकिन अब मॉडरेशन बड़ी रैशनल और आसान हो गई आपको डिस्क्रिपेंसी नहीं है क्योंकि देयर इज ओनली वन ऑप्शन अगर आप अपने ऑप्शंस में अच्छे हो तो आप ओवरऑल लिस्ट पे ये नहीं होता जैसे स्टेट सिविल सर्विस में होता है और यार सारे हिस्ट्री वाले हो गए सारे लॉ वाले रह गए एंड स्ट्रेंजली यू विल फाइंड दैट यू विल फाइंड पीपल फ्रॉम एवरी सब्जेक्ट हियर इन दिस देन यू आर कंपेयर टू थिंग्स भाई ये क्या है जैसे मेरे पास हर सेल लिस्ट आ जाती है एक्सेल में किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए किस किस की सिलेक्शन हुई क्या हुई लिस्ट आ उसमें सारे सब्जेक्ट के आप सारे सब्जेक्ट से बच्चे होते हैं दैट मींस अब एक सब्जेक्ट है भाई उसमें से 5 बच्चों ने अपीयर किया उसमें से भी एक हो रहा है भाई वो मॉडरेशन करके वो ऐसा बन जाता है कि एक आधा सेलेक्ट हो ही जाता है अदरवाइज तो जीएस भी है एसए भी है और चीज़ें मैटर करती हैं इंटरव्यू मैटर करता है बट लेकिन मॉडरेशन साफ दिखती है कि देखो ये मॉडरेशन उन्होंने करेगी ग्राफ देख के पता लग जाता है कि मॉडरेशन तो यू आर सेफ डोंट वरी डोंट ये मत सोचो आपने ह्यूमैनिटीज का रखा आपके कम नंबर आएंगे किसी ने मैथ्स का रखा तेरे चार नंबर आ जाएंगे ऐसा नहीं या कोई आपको कह रहे कि भाई तू ज्योग्राफी रख ले तेरे चार नंबर आ जाएंगे तू हिस्ट्री मत रख तेरे कम नंबर आएंगे ऐसा कुछ नहीं तो प्लीज डोंट गेट बिफूल्ड बाय दीज थिंग्स इट्स अ वाइस दैट यू विल मीट पीपल हु विल मिसगाइड जो नहीं होना चाहिए बिकॉज दीज डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल एंड वी आर वेरी सेंसिटिव अबाउट इट आपको इस ऑप्शन के बारे में कोई भी कंसल्टेंसी करनी हो डायरेक्टली कम टू मी आई एम द ओनली पर्सन ऑथराइज्ड टू गाइड यू ऑन ऑप्शनल्स इन दिस इंस्टीट्यूट मैक्सिमम टीचर से आप मिलोगे आप उनसे पूछोगे सर कौन सा ऑप्शन रखूँ वो कहेंगे उधर जाओ बिकॉज इफ आई फाइंड कोई टीचर या कोई
स्टूडेंट गाइड कर रहा है किसी दूसरे को कि ऑप्शनल ये रख ले तो उसकी बुरी हालत बहुत होती है. बिकॉज आई एम ट्रेन टू बी ऑब्जेक्टिव, आई एम ट्रेन टू बी 100% ऑब्जेक्टिव. आई विल सजेस्ट यू एज पर योर सिचुएशन और इसके लिए मुझे ट्रेनिंग मिली हुई है समझ में. तो आई कैन गिव यू ऑब्जेक्टिव सजेशन कि ये ट्राई करो, मतलब ये नहीं कि ये ऑप्शन रख लो, मतलब ये आपका बनता है पोर्टफोलियो. या आई कैन टेल यू कि ये ऑप्शन का ये प्रोज है, ये कौन सा है, ये देखो अपने इंटरेस्ट ऑब्जेक्टिवली विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन माय ओन सब्जेक्ट व्हिच आई एम टीचिंग. फिर भी आप किसी सजेशन लेते हो आपकी प्रॉब्लम, बिकॉज ओनली वन पर्सन कैन मेक यू वाइज, दैट इज यू. सो यू हैव टू लर्न टू टेक डिसीजन. तैयारी आपने करनी है, किसी और ने. अगर चौथे बंदे से पूछ लो जाके कि ऑप्शन कौन सा रखो तो उसकी वो तो तू ही तैयार कर ले, जितना तू ही बैठा ही हो, फिर मैंने क्या करना. सी योर इंटरेस्ट नंबर विंडो तुम्हें ओपन है, सीन स्टेप्स आपने हर ऑप्शन के फॉलो कर लिए, नंबर इतने आ रहा है, डोंट वरी. करंटेड है जी से डब्ल्यू से जी, आते हैं हर साल इतने सालों से आ रहे हैं. बट फाइट यही है तीन स्टेप पे पहुंचना, यू आर एबल टू फॉलो थ्री स्टेप्स. आपने तीन स्टेप्स फॉलो कर लिए, गारंटेड है 250 प्लस लेके जाओगे आप, फिर विंडो 300 तक पहुंच जाए आपकी, डिपेंडिंग अपॉन योर आर्ट ऑफ राइटिंग. एनी अदर क्वेश्चन? चलें फिर, बहुत प्रवचन हो गए, बट लेकिन सब वेरी इंपॉर्टेंट लेसन रिमेंबर. मैंने सिर्फ ऑप्शन के बारे में नहीं बताया आपको, आई हैव ऑल्सो एम्फसाइज अगेन एंड अगेन रिगार्डिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ यू टेकिंग द डिसीजन. ठीक है, थैंक यू वेरी मच.